मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। फिल्म स्क्रीनिंग पर इस अंदाज में नजर आए अक्षय कुमार, जाने कब रिलीज होगी मिशन रानीगंज। जल्द ही एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में एक्टर जमकर फिल्म का प्रमोशन करते दिख रहे हैं। हाल ही में उन्हें जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा देशमुख के साथ एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां उनके लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। OMG 2 सफल होने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें एक्टर अक्षय कुमार, जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा देशमुख नजर आई। बता दें कि ये फिल्म जसवंत सिंह गिल की रियल लाइफ स्टोरी पर बनी है। कुछ समय पहले ही फिल्म का टीजर भी जारी किया गया। इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने 1989 में रानीगंज कोल फील्ड्स में फंसे खनिकों को बचाया था। इस फिल्म में अक्षय इन्हीं जसवंत सिंह की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। स्क्रीनिंग में नजर आए ये सेलेब्स। बीती रात यानी 13 सितंबर को मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस स्क्रीनिंग में अक्षय, जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा देशमुख को एक साथ स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्टर फॉर्मल शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में दिखाई दिए। वहीं जैकी भगनानी इस इवेंट में व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आए और उनकी बहन दीपशिखा देशमुख नेवी ब्लू कोऑर्डर सेट पहने दिखाई थी। इस ड्रेस के साथ उन्होंने खुले बाल और नो मेकअप लुक चुना। बता दें कि अक्षय इवेंट से बिना तस्वीरें क्लिक करवाए ही चले गए। अक्षय के साथ स्क्रीन साझा करेंगी परिणीति। मिशन रानीगंज में अक्षय के साथ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में फैंस दोनों की जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। इससे पहले दोनों ने फिल्म केसरी में साथ काम किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म मिशन रानीगंज टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में बनी है। इस दिन रिलीज होगी फिल्म। फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अक्षय की इस अपकमिंग फिल्म का नाम भी कई बार बदला जा चुका है। सबसे पहले इस फिल्म का नाम द ग्रेट इंडियन एस्केप किया गया, इसे बदलकर द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू किया गया। अब लास्ट में इसे फिर से बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू किया गया है।